बियर्ड ग्रो कैसे करें, दाढ़ी उगाने का सबसे सस्ता और सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। प्रॉपर आपको ट्रीटमेंट बताने वाला हूँ कि आपको क्या यूज करना चाहिए और कैसे यूज करना चाहिए। वीडियो को पूरा जरूर देखें। हाय गाइस, आई एम अनिल, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आप में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो महंगे महंगे ट्रीटमेंट्स करते हैं दाढ़ी मूंछों को उगाने के लिए, लेकिन इसके बावजूद भी आपकी दाढ़ी नहीं आती है। तो आज मैं आपको एक ऐसा ट्रीटमेंट बताने वाला हूँ जिससे आपकी 100% दाढ़ी आ जाएगी। मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ और सबसे सस्ता ट्रीटमेंट आपको पड़ेगा। ज़्यादा महंगे ट्रीटमेंट के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। तो ट्रीटमेंट क्या है, अगर आपके भी दाढ़ी नहीं आ रही, बिल्कुल भी दाढ़ी नहीं आ रही है, दाढ़ी की कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। पहले हम लेंगे नारियल का तेल 20 रुपये का, फिर हम लेंगे EBM 400 विटामिन ई कैप्सूल 30 रुपये के। 20 और 30 50 रुपये में आपकी पूरी दाढ़ी आ जाएगी। आपको क्या करना है, आपको ये कितने ग्राम में मिल जाएगा, इसमें जो ग्राम लिख रहा होगा इसमें शायद ग्राम तो नहीं, बट लगभग 10-15 ग्राम में आपको आराम से मिल जाता है। अगर आप इसका यूज़ करेंगे तो कम से कम ये 3 महीने हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, 10 EBM कैप्सूल आपको लेना है। 10 EBM कैप्सूल आपको काट के इसमें आपको डाल लेना है, फिर इसको आपको सेक करना है, हिलाना अच्छे से। ये थोड़े से गाढ़े होते हैं, यानी इसमें जेल होता है, आप मान चले जेल होता है, और आप उस जेल को इस ऑयल में आप जब मिलाओगे तो ये और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। या तो आप इसको गर्म कर लें, आग पे गर्म कर सकते हैं, गैस पे गर्म कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको ऐसे गर्म करना है, या फिर आप इसको धूप में रख दें ताकि ये पतला हो जाए। इसको आप सेक करके रोज़ रात को आपकी दाढ़ी और मूंछों की जगह जहाँ पर भी आपकी दाढ़ी ग्रोथ नहीं कर रही है, पतले बाल हैं आपके, दाढ़ी के बाल पैची बियर्ड है आपकी, या फिर आपके जो दाढ़ी के बाल है रेड या फिर वाइट हो गए, या फिर वो ब्राउन हो गए, या फिर दाढ़ी में एक भी बाल नहीं है, तो आप इसका यूज़ करें रोज़ रात को। इसको थोड़े से आप आपके हथेली पर लेके कम से कम 10-20 बूंद आप लेके अब दोनों हाथों को स्क्रब करके और आपकी पूरी दाढ़ी पर स्मूथली आराम से मसाज करें। इससे क्या होगा, इससे आपके दाढ़ी के बाल जो हैं उसकी जड़ों पर ये ऑयल जाएगा और विटामिन ई कैप्सूल जाएगा, फिर वहाँ से आपके हेयर्स तेज़ी से ग्रोथ होने लग जाएंगे। मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ कि जैसे कि आपके जो दाढ़ी के बाल हैं अगर उस पर ब्लड सप्लाई नहीं होता है तो कहीं ना कहीं बढ़ने में सक्षम नहीं होते, या फिर वो आगे बढ़ नहीं पाते। आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपने कोई पौधा आपने लगाया और अगर आपने उसको पानी नहीं दिया तो वो पौधा सूखता चला जाएगा या फिर वो ख़त्म हो जाएगा। ऐसे ही आपके दाढ़ी के बाल होते हैं, अगर उनमें खून जैसे कि ब्लड होता है तो ब्लड आपकी पूरी स्किन में पाया जाता है, जिससे कि जो आपके हेयर की जड़ है वो ब्लड में ही डूबी रहती है या फिर आपकी स्किन में रहती है, जिससे कि वो हेयर्स की जड़ तक पहुंचता है ब्लड और वहां से आपके हेयर्स तेज़ी से ग्रोथ करता है। अगर अच्छी मात्रा में ब्लड सप्लाई हो रहा है, खून की सप्लाई अगर अच्छी हो रही है आपके फेस पर, तो आपकी दाढ़ी आने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो इससे आपको क्या करना है, इससे आपको रात को लगा के 3-4 मिनट तक मसाज करना है। मसाज से क्या हो जाएगा, आपके फेस का ब्लड का सर्कुलेशन तेज हो जाएगा और जो आप ऑयल लगा रहे हो, जेल लगा रहे हो, वो आपके जो फेस के ऑयल्स हैं उस ऑयल्स में जाएगा और जैसे ही आप सो जाओगे फिर वहाँ से ये अपना काम करना शुरू कर देगा। तो ये एक ऐसा ट्रीटमेंट होता है जिससे आपकी 100% बियर्ड ग्रोथ हो जाती है। कैसे हो जाती है, तो EBM का जो कैप्सूल रहता है वो स्किन में बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है और बहुत ज़्यादा आपका ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ा देता है, जिससे कि आपके जो दाढ़ी के बाल हैं उसके अंदर जो ब्लड है उसका सर्कुलेशन फ्लो ज़्यादा हो जाएगा और ये जो ऑयल रहता है ये आपके स्किन को सॉफ्ट करता है, जिससे ये जो EBM है वो अंदर जाने में काफ़ी ज़्यादा उसको आसानी हो जाती है। मैं भी ये ट्रीटमेंट करता हूँ, आपको भी ये ट्रीटमेंट जरूर करना चाहिए। अगर आप भी दाढ़ी को लेकर परेशान हैं और आप गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप अच्छा लुक रखना चाहते हैं, पर आप ज़्यादा पैसे वेस्ट नहीं करना चाहते, फालतू पैसे नहीं फेंकना चाहते, तो ओनली आपको 50 रुपये का ट्रीटमेंट करना है भाई। 50 रुपये में 3 महीने आपको कंटिन्यू करना है, 3 महीने से एक भी दिन आपको कम नहीं करना। चाहे आप ज़्यादा कर सकते हैं, 1 साल 2 साल 5 10 साल आप कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन इससे आपकी पूरी काली घनी मोटी बियर्ड ग्रोथ हो जाएगी। तो आपने सर्च किया होगा हाउ टू ग्रोथ बियर्ड, तो भाई इससे आप बियर्ड कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल प्लस EBM 400 विटामिन ई कैप्सूल मिक्स एंड शेक एंड लगाना। आप बोल सकते हैं थोड़ा सा मैंने फनी कर दिया, बट इससे आप आपकी दाढ़ी ग्रोथ 100% कर सकते हैं। अगर आप बात करें इसके साइड इफेक्ट की, बिल्कुल 1% भी आपको साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। ये ऑयल नेचुरल होता है, हो सकता है थोड़े से फेस पर पिंपल्स आ जाए क्योंकि आपका फेस ऑयली हो जाएगा और ऑयली फेस पर थोड़े से पिंपल्स आने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। अगर आप ये जानना चाहते हो कि कितने दिन में प्रॉपर आपकी दाढ़ी जाएगी, तो 100 दिन में आपको लिख के देता हूँ, 100 दिन में आपकी पूरी काली घनी मोटी दाढ़ी नहीं आई, तो आप मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर देना और ये ट्रीटमेंट मेरे जो भी मैंने आपको बताया बिल्कुल भी मत करना।
मैं पूरा एक्सपीरियंस और गारंटी के साथ आपको बता रहा हूँ, ये ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं अगर आपको बीएड की प्रॉब्लम है तो। वट कंडीशन, मैं एक चीज रख देता हूँ, तो ये सिर्फ आपकी बाहर की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है भाई, अंदर की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता, जो कि आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स लेवल जो है, जो आपको टेस्टोस्टेरोन की प्रॉब्लम है, अगर आपको वो प्रॉब्लम है तो ये उस पर वर्क नहीं करेगा। फिर आपको एक काम और करना है, ये दोनों ट्रीटमेंट आप लगाते हो, फिर आपको एक और ईवीएम का कैप्सूल लेके आना है, इतना बड़ा पत्ता, फिर आपको एक कैप्सूल खाना है, खाना है, खाने से आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स लेवल इंक्रीज हो जाएंगे, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी। फिर आपको एक काम और करना है कि आपको यह जानना है कि जो आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स लेवल जो कम हुआ है वो किस रीजन से हुआ है। आप ज़्यादा हिलाते हो, ड्रिंक स्मोक करते हो, वर्कआउट नहीं करते हो, डिप्रेशन में है, अच्छा पानी नहीं पीते हो, या फिर आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं है, वो जरूर आप जान लें, क्योंकि आपका जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स लेवल है वो इन्हीं रीजनों से कम होता है। अगर वो आप करते हो तो आपकी दाढ़ी आना भाई इम्पॉसिबल हो जाएगा, फिर मैं भी आपको गारंटी नहीं दे रहा हूँ। अगर आप वो नहीं करते हो तो फिर मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आपकी दाढ़ी 100% ग्रोथ हो जाएगी। ये ट्रीटमेंट करके मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और आप कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो वो भी मुझे आप कमेंट करके जरूर बताएं। भरोसा करना पड़ेगी आपको, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा तो सब्सक्राइब भी करना पड़ेगी, लाइक भी करना पड़ेगी, कमेंट भी करना पड़ेगी, और थैंक यू भी बोलना पड़ेगा। सो थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, सी यू अगेन गाइस।